नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब बात आम आदमी पार्टी में चल रही अंदरूनी लड़ाई की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए नए चेहरे बगावत का झंडा बुलंद करने सामने आ रहे हैं। आज बारी मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा की है। कल मंत्री पद से हटाए जाने के बाद ही कपिल मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि वो आज टैंकर घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। कपिल मिश्रा 11:30 बजे राजघाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक दिन पहले जो बातें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताई थी, आज वो सारी बातें देश के सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि कपिल मिश्रा कुछ ऐसा खुलासा कर सकते हैं जिससे पार्टी के कई बड़े नाम सवालों के घेरे में आ सकते हैं। वहीं दिल्ली से दूर भोपाल में कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर कविता के जरिए निशाना साधा। हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी में उठापटक चल रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टूट जाएगी ये आम आदमी पार्टी। दो साल से जनता को झूठ बोला जा रहा था और यह आज किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था काफी मेहनत के बावजूद। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है। देखिए, भ्रष्टाचारी तो हैं जरूर कुछ लोग और उनके भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। हम लोगों ने ये आंदोलन और पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाई थी, तो इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में जनता ने जमीन पर लाकर पटक दिया है, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत से सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने झगड़े से फुर्सत नहीं है। कपिल मिश्रा से कुर्सी छीन ली गई है और जैसे ही खबर कपिल मिश्रा तक पहुंची, ट्विटर पर गुस्से की बाढ़ आ गई। कभी साजिश की बातें, कभी डर की बातें, कभी खुलासे का जिक्र। दो साल में दिल्ली जल बोर्ड में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन आज 11:30 बजे बड़ा खुलासा होगा। केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, उनके घर गया था। मैंने उनको बताया कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लेटर लिखा है और टैंकर घोटाले में देरी किन लोगों के कारण हुई है ये नाम बताने के लिए मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा। इसी पार्टी में रहकर कूड़े की सफाई करेंगे, झाड़ू चलाएंगे और भ्रष्टाचार के जिन मामलों की मैंने अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की थी, कल उन सब मामलों की चर्चा जनता के बीच में करेंगे। मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की जिन बुराइयों से छुटकारा दिलाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगा था, वो सारी बुराइयां अब उनके भीतर घुस चुकी हैं। जो अरविंद केजरीवाल कल तक कहा करते थे कि दिल्ली जल बोर्ड सरकार के लिए कमाई का कारखाना है, और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नहीं साहब, जल बोर्ड को तो लोगों ने लूट लिया, वो भी कपिल मिश्रा के रहते हुए। साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है पिछले साल के मुकाबले, कम होने की वजह 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त कर दिया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पानी मुफ्त करने के साथ साथ हमने अंदर करप्शन भी कम किया, बिल माफ कर रखे हैं लोगों के। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था, तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था काफी मेहनत के बावजूद। दिल्ली के ऐतिहासिक बहुमत को आम आदमी पार्टी ने अपने अंदरूनी झगड़े से तमाशा बना दिया है। गुटों में बटी आम आदमी पार्टी सारा काम धाम छोड़कर घर के झगड़े में फंस गई है और इसमें सबसे ज्यादा मजा बीजेपी को आ रहा है। दो हफ्ते पहले कपिल मिश्रा तो चहीते बहुत बढ़िया मिनिस्टर माने जाते हैं, दो हफ्ते बाद कुछ ऐसा होता है कि कपिल मिश्रा सबसे खराब मंत्री हो जाते हैं और सारी की सारी बातें वाटर टैंकर माफिया को लेकर सारी की सारी बात करने की उजागर करने की जरूरत महसूस करते हैं मनीष सिसोदिया। तो ये एक पैतरेबाजी पर पैतरेबाजी ही देखने को मिल रही है। ये साफ जाहिर है कि सिद्धांतों की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, ये सिर्फ अंदर की सत्ता की लड़ाई है जो सामने दिख रही है। इसकी जड़ें अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ी हुई हैं और कल वो सिद्ध हो गया। अब मुझे पता नहीं आज क्या क्या बताएंगे कपिल मिश्रा जी, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल घोटाले को उजागर करने के कारण अपने मंत्री को हटाते हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही घोटाले में लिप्त है। बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है मजा लेने का, लेकिन कपिल मिश्रा से पद छीनने पर पार्टी के अंदर और बाहर इस बात पर बहस तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपिल मिश्रा को पद से हटा दिया गया। क्या कुमार विश्वास के करीबी होने पर कपिल की कुर्सी गई? क्या ईवीएम विवाद में विश्वास के साथ खड़े होने का नतीजा है या वो नाम है
जिनके बारे में कपिल मिश्रा आज खुलासा करने वाले हैं। बगावत के बारूद पर आम आदमी पार्टी यूं तो शुरुआत से ही खड़ी थी, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है लगता तो यही है कुछ बड़ा विस्फोट जरूर होगा। जिस टैंकर घोटाले की हवा में कपिल मिश्रा की कुर्सी उड़ गई, दरअसल वो घोटाला शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था, लेकिन उसकी जांच की जाल में केजरीवाल सरकार फंस गई है। शीला दीक्षित सरकार ने पिछड़े इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना शुरू की थी, लेकिन बाद में पता चला कि पानी बेच बेच कर लोग करोड़पति हो गए। शीला सरकार पर 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले का आरोप है। 200 करोड़ की योजना का ठेका 600 करोड़ में दिया गया था। जल बोर्ड ने 385 टैंकर से पानी पहुंचाने का ठेका दिया था। शीला सरकार के दौरान ही जांच भी शुरू हो गई, लेकिन केजरीवाल पर जांच रिपोर्ट को उजागर नहीं करने का आरोप है। बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल की भी भूमिका की जांच की जानी चाहिए। अब शीला सरकार की यही योजना केजरीवाल सरकार के कुनबे को लगता है तोड़कर रख देगी। अब तक न शीला दीक्षित की भूमिका की जांच हुई है, आज भी बेरोक टोक वही कंपनी पानी सप्लाई कर रही है। जनता ने ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ भी करेंगे, कुर्सी के लिए किचकिच नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ विरोध का झंडा उठाकर नहीं घूमेंगे। अब 11:30 बजे का इंतजार कीजिए। अगर कपिल मिश्रा ने कोई बड़ा खुलासा कर दिया तो पार्टी की नैतिकता की धज्जियां उड़नी तय है। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इधर केजरीवाल ने कैबिनेट से कपिल मिश्रा की छुट्टी की, उधर आप नेता कुमार विश्वास ने इशारों इशारों में एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने कविता के माध्यम से कहा कि साजिशें कल भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन जीत उनकी होगी। शासकों को दिल्ली की सरकार में इस समय दो शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आजकल कंफर्म नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। जिस आम आदमी पार्टी को जनता ने 70 से 67 सीटें दी, उसमें कुर्सियों को लेकर ऐसी कलह मची है कि दिल का दर्द मंच पर निकलने लगा है। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते हैं। भोपाल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, लेकिन सरहद के शूरवीरों को याद करते करते पार्टी के दुर्योधन याद आने लग गए। कुमार विश्वास नेता से पहले कवि हैं, इसलिए इशारों की भाषा में सब कुछ बोल गए, बस नाम किसी का नहीं लिया। इतने मुकदमे हुए, इतना घेरने की कोशिश की, इतने पुतले जलाए गए, साजिशें बाहर हुई, भीतर हुई, और अब भी चल रही है। लेकिन मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ आज भोपाल में, इसे मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए पत्रकारों में, सुनना। कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। दोनों हाथ तैयार करो भोपाल वालों के पास। कि हमने दुनिया में मोहब्बत, जीतूंगा मैं ही, मेरे अंदर का मोहब्बत, मेरे अंदर का इश्क। ये सब जानते हैं कि पार्टी में साजिश कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि बंद कमरे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया, दिल्ली में और भोपाल में कुमार विश्वास की भाषा में उसकी छाप नजर आने लग गई। पूरी सियासत ही सड़क छाप हो गई पिछले कुछ महीने में पार्टी के अंदर। ईवीएम पर पार्टी दो गुटों में बटा हुआ नजर आया। पंजाब गोवा के बाद दिल्ली एमसीडी में भी पार्टी पूरी तरह हार गई। कुमार विश्वास ने नेताओं को आत्मचिंतन करने को कहा। अमानतुल्ला खान ने कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट कह दिया। कुमार विश्वास नाराज होकर पार्टी से अलग होने पर विचार करने लग गए। आधी रात को केजरीवाल और सिसोदिया विश्वास को मनाने गए। अमानतुल्ला को पीएससी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने अमानतुल्ला को कई कमेटियों में जगह दे दी। अब किसको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाए कुछ पता नहीं।